welcome back and welcome again in my another YouTube video. ये video origin of life की fourth video है. इस video में मैं आपको बताऊंगा उरे मिलर experiment के बारे में and apparatus हल्दाने model के बारे में. apparatus हल्दाने model के बारे में मैंने previous video में भी बताया है और यहाँ पे भी मैं दोबारा से discuss करूंगा. actual में उरे मिलर ने apparatus और हल्दाने के hypothesis को experimentally prove किया है. ठीक है, तो उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू apparatus हल्दाने जो फर्स्ट लाइफ है अर्थ पर वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही क्रिएट हो सकती है. इस सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है फर्स्ट लाइफ के लिए और ऐसी क्या कंडीशन थी प्रिमिटिव अर्थ पर कि उसी पर ही लाइफ का क्रिएशन हो सकता है. एक बार मैं और बता देता हूं. एक्चुअल में जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल है एबायोजेनेसिस के लिए. एबायोजेनेसिस मीन्स नॉन लिविंग मीन्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना. ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने के लिए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जरूरी है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, वो पॉलीमराइजेशन या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को रोकता है. वो उल्टा प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो सिंपलर मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो जो लाइफ का ओरिजिन है वो ओनली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में पॉसिबल है. मॉडर्न एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है. लेकिन प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी प्रिमिटिव अर्थ पर वो स्पेशली किसके साथ मिल रही थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, प्योर ऑक्सीजन मतलब प्योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं थी. ओके, तो प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहा हूं. लेकिन अब तो 21% एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है. ठीक है, मॉडर्न अर्थ पर 21% जो है ऑक्सीजन है, लेकिन प्रिमिटिव अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी. जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, वो किसके साथ थी, मॉलिक्यूल मतलब कंबाइन फॉर्म में थी अनदर एटम के साथ. ओके, तो एबायोजेनेसिस मींस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना या नॉन लिविंग से लिविंग मटेरियल मींस ऑर्गेनिक मटेरियल का बनना. ठीक है, वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, वो एक्चुअल में उसके लिए दो चीजों की जरूरत है. एक तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, रिड्यूसिंग, तो प्रिमिटिव अर्थ है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल था, साथ साथ रिएक्शन के लिए एनर्जी की भी जरूरत थी. तो वो एनर्जी कहां से मिली, यूवी रे से, मींस जो सन से यूवी रे निकलती है उससे, और दूसरी जो लाइटनिंग होती है. एक्चुअल में स्टार्टिंग में अपनी एनवायरनमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, मींस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मात्रा थी जिससे प्लाज्मा क्रिएट होता है. ठीक है, प्लाज्मा मींस एक्चुअल में प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है, मींस तीन स्टेज होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस. ठीक है, फोर्थ स्टेट बोलते हैं प्लाज्मा को. ठीक है, मतलब फोर्थ स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा, जिसमें आयन्स गैसियस फॉर्म में मिलती है, आयन्स गैसियस फॉर्म में मिलती है. तो वो आयन्स में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. कैसी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या होती है, लाइटनिंग. जो लाइटनिंग होती है अपने एनवायरनमेंट में वो किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से. ठीक है, तो लाइटनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो अपने प्रिमिटिव अर्थ पर जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा था केमिकल रिएक्शन के लिए, वो दो से चार चीज प्रोवाइड करा रही थी. एक तो लाइटनिंग है, यूवी रे, साथ साथ प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, तो जो उसकी हीट है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करा रही थी. ठीक है, जो apparatus हल्दाने की हाइपोथेसिस है वो एक्चुअल में एबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस है. जो एबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस है, इन साइंटिस्ट से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी दिया था, मींस मैंने इसके बारे में ऑरिजिन ऑफ लाइफ की फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है. apparatus और हल्दाने से पहले बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने एबायोजेनेसिस मींस बताया कि नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण हुआ है. ठीक है, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो लॉजिकल नहीं थी, लेकिन इन्होंने लॉजिकल बताया.
ठीक है, उन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव अर्थ पर है उसके लिए मेन जो कंपोनेंट थे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, वो कौन कौन से थे, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O, ये गैसियस फॉर्म में मिलते थे। ठीक है, वॉटर है वो भी वेपर फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में नहीं था। एक्चुअल में जब अर्थ सन से अलग हुई थी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वॉटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाई। ठीक है, मीन्स वॉटर जब भी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है जब उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लेकिन हाई एनर्जी की वजह से जो वॉटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती थी। ठीक है, तो वॉटर किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता गया, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता है और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता गया, तो जो वॉटर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ और रेन के फॉर्म में अर्थ पर आना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे किन का निर्माण हुआ, वॉटर बॉडीज का। ठीक है, उसके साथ साथ जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट थे वो किस में आए, सी में, किस में, ओशियंस में। ठीक है, तो लाइटनिंग और यूवी रे की प्रेजेंस में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई। ठीक है, उस रिएक्शन से क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। इस मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, CO2 और वॉटर ने मिलकर के क्या बनाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपलर मींस अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, ग्लूकोज और इस टाइप के मतलब मोनोमर्स बनाए। ठीक है, इन मोनोमर्स ने जाकर के आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण किया, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, लिपिड है और पॉलीसेकेराइड जैसे मॉलिक्यूल्स का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। तो जो ओशियंस में CH4, NH3, H2O, ठीक है, और H2 जो गैसेस थी, मतलब इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया ओपेरेन ने, टी बायोटिक सूप। ठीक है, और हल्दाने ने इसे बोला हल्दाने सूप। ओके, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ वो किसमें हुआ, ओशियन में। ओशियन में मतलब फर्स्ट लाइफ का क्रिएशन ओशियन में ही हुआ था। ठीक है, जिनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइफ क्रिएट हुई थी वो कहां पे हुई थी, वाटर में, कहां पर, वाटर में। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने, उरे और मिलर ने। ठीक है, उन्होंने लैब में ऐसी कंडीशन क्रिएट की, ऐसा एपरेटस बनाया जो कि प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता था। मींस ऐसा एपरेटस था जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट क्रिएट किया। ठीक है, और ओपेरेन और हल्दाने हाइपोथेसिस को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो अब उरे मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उरे एंड मिलर ने एक एपरेटस बनाया जिसमें उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट मींस मैंने ये पहले भी बताया है, एक्चुअली में प्रिमिटिव अर्थ पे कौन कौन सी कंडीशन थी वो उन्होंने इस एपरेटस में क्रिएट की। ठीक है, तो पहले बताता हूँ कि प्रिमिटिव अर्थ पे कौन कौन सी कंडीशन थी। पहले तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, मीन्स ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट था। ठीक है, ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट था, तो उन्होंने अपने एपरेटस में ऑक्सीजन की एंट्री को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं जाने दिया। ठीक है, दूसरी चीज लाइटनिंग, मतलब हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी की जरूरत थी ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, एक हाई एनर्जी। ठीक है, साथ साथ कुछ
बेसिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जरूरत थी, कौन कौन से, CH4, NH3, H2, H2O, ठीक है, और CO2। ये तीन मेन कंपोनेंट थे प्रिमिटिव अर्थ पर जिनसे लाइफ का क्रिएशन हुआ, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इन्हीं तीन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ओरे और मिलन ने अपने एपरेटस में ये तीनों कंपोनेंट को शामिल किया, ठीक है, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ का ओरिजिन एक्चुअल में ओपेरेन और हल्दाने जो बताया उसी तरीके से हुआ है, मींस एबायोजेनेसिस से हुआ है, मींस नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग का निर्माण हुआ है, फर्स्ट लाइफ का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस एपरेटस में उन्होंने कुछ पार्ट थे उनके बारे में बता देता हूं। एक था वाटर टैंक जिसमें वाटर उन्होंने फिल कर रखा था, उसके नीचे हीटर था, ठीक है, इस हीटर की वजह से वाटर है वो वेपराइज होकर के, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू इस गैसियस चेंबर में आता था, ठीक है। इस गैसियस चेंबर में कौन कौन सी गैसेस थी, CO2, H2O, NH3, ठीक है, CH4 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये गैसियस चेंबर है जिसमें गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और H2O इन्होंने फिल की, ठीक है। वाटर वेपर यहां से आ रही थी, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू, यहां से हीट के थ्रू ये बॉइल किया जा रहा था वाटर, और वाटर वेपराइज होकर के इस गैसियस चेंबर में है, ठीक है। अब इसमें लगाए थे उन्होंने इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड थे, तो उन्होंने 60,000 वोल्ट प्रोवाइड कराया, ठीक है। अच्छा, अब ये वोल्ट मतलब जो हाई एनर्जी वोल्टेज था, ठीक है, 60,000 मींस इसके थ्रू उन्होंने हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई थी। एक्चुअल में प्रिमिटिव अर्थ पर भी हाई एनर्जी थी, लाइटनिंग हो रही थी, तो जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल स्पार्क के थ्रू उन्होंने हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ठीक है इलेक्ट्रिकल स्पार्क के थ्रू उन्होंने हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इंक्यूबेट किया 18 से 20 दिन और टाइम टू टाइम इसको चेक किया, ठीक है। में तो उन्होंने जो वाटर टैंक था उसको हीटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वाटर है वो वेपराइज होकर के इस गैसियस चेंबर में आ रहा था, ठीक है। गैसियस चेंबर में इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से क्या हाई एनर्जी प्रोवाइड की, और उस हाई एनर्जी की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनके बीच में कुछ रिएक्शन हुई, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स बनी हैं उनको एक कंडेंसर के थ्रू पास कराया, ठीक है। कंडेंसर मींस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कोल्ड वाटर का इनलेट और आउटलेट होता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो लिक्विड है, ठीक है, उसको मतलब सैंपलिंग के लिए सैंपलिंग टैप से निकालते हैं, ठीक है, एंड अगेन वो किसमें पहुंचता है, लिक्विड वाटर टैंक में, और फिर दोबारा से हीटर होकर के फिर दोबारा से वेपराइज होता है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे साइकिल चलती रहती है, और इस साइकिल को उन्होंने कम से कम 18 से 20 दिन चलाया, ठीक है, 18 से 20 दिन चलाया, और 18 से 20 दिन टाइम टू टाइम उन्होंने चेक किया किसको, इसके सैंपल को, ठीक है। और उस सैंपल में उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, क्या क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले इसमें, ग्लाइसिन, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जैसे कि एडिनिन वगैरह, साथ साथ एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल, और सुगर, ठीक है, सुगर मींस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको सैंपल में मिले। ओरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंटली ओपेरेन और हल्दाने की हाइपोथेसिस उसको प्रूव किया, और बताया कि प्रिमिटिव अर्थ पर शायद ऐसी ही कंडीशन हुई होंगी, मतलब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और हाई एनर्जी, ठीक है, की वजह से ही प्रिमिटिव अर्थ पर क्या
फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मॉडर्न हाइपोथेसिस मानी जाती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो कौन सी है? ओपेरेन हल्दाने, ठीक है, एंड उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? मिलर ने, ठीक है, मिलर और उरे ने, ठीक है। उरे एंड मिलर ने एक और चीज ऑब्जर्व की जिसमें था जो वाटर टैंक था उसमें उन्हें एग्रीगेट्स मिले, ठीक है। एक्चुअल में जो एग्रीगेट्स थे ये थे कोएजर्बेट्स, ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ओशियंस में वो क्या बना देते हैं? एग्रीगेट बना देते हैं, ठीक है, वो एग्रीगेट जाकर के प्रोटोसेल का निर्माण करते हैं, ठीक है, मतलब कोएजर्बेट से किसका निर्माण होता है? प्रोटोसेल का, ठीक है। इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? कोएजर्बेट्स हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है, इन पे कोई लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन प्रोटोसेल में ये तो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट मिलते हैं, ठीक है, मींस कोएजर्बेट्स है ये। एक्चुअल में कोएजर्बेट है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज कर दिए गए हैं, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोसेल, ठीक है। जो कोएजर्बेट और प्रोटोसेल है उसके प्रॉपर्टी क्या थी कि ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कैन डिवाइड मतलब फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन और फिजन ये प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं दोबारा से नहीं बता दिया थोड़ा। तो ये था उरे मिलर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है।